चल स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी योगिता ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, हम लोग लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और लाइगेज एंजाइम में मैंने जो लास्ट आप लोग को पढ़ाया था वो हम क्लासिफिकेशन तक के किए थे। तो लाइगेज एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब आपका जो वर्गीकरण है, ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि पहली बात तो ये कि आपका जो लाइगेज एंजाइम है, ये जो लाइगेज एंजाइम है, इस प्रकार का एंजाइम रहता है कि ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को या जेनेटिक मटेरियल्स को ज्वाइन करने का काम करता है केमिकल बॉन्ड्स बनाकर। तो ये बॉन्ड्स अलग अलग तरीके से बनाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाता है और जोड़ता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा डीएनए हो जिसे जोड़ना मुश्किल हो, तो वो जिस चीज को जोड़ना है, जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो बॉन्ड को फॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो जोड़ता है उन्हें, ठीक है। ये तो लाइगेज एंजाइम का मतलब बेसिक चीज है, ये आप लोगों को भी अलग से बताने वाली चीज नहीं है, दैट इज वेरी कॉमन। कि जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जैसा पर्सन रहता है आप उसके साथ वैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कई पर्सन रहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे टाइप के लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होंगे जो बहुत बबली नेचर के रहते हैं, एकदम फ्रैंक रहते हैं, हर टाइप का मतलब बहुत मस्तीखोर रहते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो क्या करे कि क्या कैसे रहते हैं, थोड़े कम बोलने वाले रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, है ना। तो आप उनके अकॉर्डिंग उनके साथ रिएक्ट करते हैं। अगर कोई बहुत बबली नेचर का है और आप एकदम आप क्या सबके अकॉर्डिंग ढल जाते हो, तो आप उसके साथ जमेगा। आप दो पर्सन ऐसे है तो दोस्त तब बनेंगे जब दोनों का अच्छा जम रहा है, बढ़िया सब चीजें, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि एकदम चुप रहने वाले के साथ जितने भी लोग रहते हैं वो चुप रहने वाले ही लोग होते हैं, साइलेंट लोग। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें होती है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनके साथ है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीजों करते हैं, ठीक ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्रेंडशिप, देयर आर लॉट ऑफ मेनी एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में। आपको अगर खीर बनाना है तो आप उसमें नमक नहीं डालेंगे, आप उसमें वही चीज डालेंगे जो उसमें डलती है, राइट। शक्कर डालेंगे आप, नमक तो डालेंगे नहीं, तो दैट इज द बेसिक लॉजिक। तो लाइगेज एंजाइम का ये बेसिक चीज का कॉन्सेप्ट है कि लाइगेज एंजाइम पॉइंट नंबर वन जॉइंट करने का काम करता है, जोड़ने का। इट्स लाइक अ मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर फेविकोल, है ना, जो क्या करता है दो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को क्या करता है, दो मॉलिक्यूलर चीजों को जोड़ता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को, लाइक डीएनए और आरएनए और जेनेटिक मटेरियल्स। तो इसका जो क्लासिफिकेशन वो इस अकॉर्डिंग किया गया है कि लाइगेज जो एंजाइम है वो केमिकल बॉन्ड बनाकर वो क्या करता है, जॉइंट करता है। तो केमिकल बॉन्ड के तरीके अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज जैसा मॉलिक्यूल रहेगा, जैसा मॉलिक्यूलर उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसे केमिकल बॉन्ड बनाकर ज्वाइन करेगा। क्लासिफिकेशन में लास्ट हमने देखा था कि इसे जो है EC6 करके क्लासिफाई किया जाता है, EC6 करके, या और इन द ईसी नंबर। ये ईसी नंबर का एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली जिस आर्टिकल से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ उसमें एक्चुअली बताया नहीं गया है ईसी नंबर के बारे में। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अगर ईसी नंबर कुछ है। पॉइंट नंबर वन, ईसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ना। ईसी का फुल फॉर्म होता है एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन फुल फॉर्म है ईसी का। और एंजाइम कमीशन का ये जो है ईसी नंबर मैंने बोला, ठीक है, ईसी नंबर इसलिए बोला जा रहा है, एंजाइम कमीशन नंबर है वो। जैसे कि EC6 जो है वो एक तरीके का क्या है, एंजाइम कमीशन नंबर है वो। तो इन्हें जो क्लासिफाई किया गया है, एंजाइम कमीशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। द एंजाइम कमीशन नंबर इज अ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन स्कीम्स फॉर एंजाइम्स बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन दे कैटेलाइज। हर एंजाइम का, एंजाइम को हिंदी में हम बोलते हैं उत्प्रेरक, दे आर कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं जो किसी भी रिएक्शन को अच्छे से करने में हेल्प करते हैं, कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उस कार्य को अच्छे से करने के लिए हम उत्प्रेरकों का यूज करते हैं, मतलब कैटलिस्ट का, या फिर कैटलिस्ट के फॉर्म में किसका यूज करते हैं, एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने डीएनए एक एंजाइम यूज किया, डीएनए एंजाइम जो है वो क्या करेगा, डीएनए को पूरा खत्म कर देगा, डीएनए को पूरा लाइगेट कर देगा, ठीक है।
और वैसे ही आरएनएज यूज करेंगे तो आरएनएज एंजाइम क्या होगा, वो आरएनए को पूरा नष्ट कर देगा। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग तरीके से अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन को जो ये कैटेलाइज करते हैं, अब जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो दूसरा एंजाइम है। आपके जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये आप लोगों के सलाइवा में लार में पाया जाता है, वो उसका काम अलग है, ठीक है। भोजन आ रहा है तो उसके साथ मिक्स होकर वो पूरा उसे कटिंग चॉपिंग में और पूरा अच्छे से भोजन के साथ मिलाने में हेल्प कर रहा है डाइजेस्ट करने में। तो हर एंजाइम का अलग अलग कार्य होता है, तो उस एंजाइम के केमिकल रिएक्शंस जो वो कैटेलाइज करता है, जैसे कि अगर रेस्पिरेशन, अगर पाचन हो रहा है तो अलग एंजाइम है, ठीक है। अगर आपका श्वसन श्वसन की क्रिया हो रही है, मतलब जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो अलग एंजाइम है। रेस्पिरेशन में अलग एंजाइम, डाइजेशन में अलग एंजाइम और बॉडी के अन्य कार्यों में अलग एंजाइम। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अब पॉइंट नंबर टू ये कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। पाचन वाला जो एंजाइम है वो सिर्फ पाचन की क्रियाओं को ही क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा। श्वसन के जो रेस्पिरेशन वाले जो एंजाइम है वो सिर्फ रेस्पिरेशन के जो केमिकल रिएक्शन है उनको कैटेलाइज करेगा, वो दूसरों को नहीं करेगा। तो इस आधार पे एंजाइम्स को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है उनके केमिकल रिएक्शन जिनको वो कैटेलाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन दे दिया गया है, वो वाला जो वर्गीकरण है जो इनके केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है उनको नंबर तरीके से बांट दिए, क्योंकि एंजाइम जो है कभी भी आपके अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग रहेंगे, वो तो हमको मालूम है। लेकिन एंजाइम जो है को क्लासिफाई करने के लिए एंजाइम कमीशन नंबर बनाया गया, ताकि एक न्यूमेरिकल कमीशन रहे कि इतने नंबर का एंजाइम यहाँ पर फिट होता है, इतने नंबर का एंजाइम ये वाला कार्य करता है। उसी प्रकार से जो लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका जो लाइगेज एंजाइम है ये EC6 से आपका क्लासिफाई होता है, और इन्हें जो है 6 सब क्लासेस में बांटा गया है, ठीक है, आपके 6 सब क्लासेस में। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया ही था, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूँ इसको। 6 सब क्लासेस में बताया गया, बांटा गया है, जैसे पहला जो था वो क्या था, EC 6.1, दूसरा क्या था आपका EC 6.2, फिर आपका EC 6.3, ऐसे करते हुए पूरा 6.6 तक के, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, आपके इसके जो 6 सब क्लासेस हैं किसके, आपके लाइगेज एंजाइम के। स्टार्ट होते हैं ये एंजाइम कमीशन नंबर 6 से, उसके बाद इन्हें 6 का सब क्लासेस में बांट के रखा गया है। सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग ही किस बेसिस पे बांटा गया है कि वो किस प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर 6.1 की बात की जाए तो वो क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर वो क्या करता है, आपके जब जोड़ने का काम करता है जो दो चीजों को, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को बनाकर उन्हें जोड़ता है, जिस चीज को हम जोड़ने बोलेंगे। EC 6.1 वाले एंजाइम को अगर हम बोलेंगे कि हाँ चलो भाई ये डीएनए है, दो डीएनए को जोड़ दो, तो वो डीएनए पहले वो स्कैन करेगा, देखेगा किस टाइप का, 6.1 सिर्फ एक ही प्रकार का बॉन्ड बनाता है, वो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। 6.1 यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। 6.2 क्या करता है, 6.2 आपका बनाता है कार्बन सल्फर बॉन्ड। तो इस प्रकार जो है आपका जो प्रत्येक एंजाइम जो है, सब क्लासेस जो है लाइगेज के, वो इस आधार पर काम करते हैं कि इसका जो है वो कौन सा बॉन्ड वो बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड वो बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बनाकर वो क्या कर रहे हैं, आपका दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को, दो पर्टिकुलर चीजों को वो जोड़ रहे हैं, दो पर्टिकुलर सब्सटेंस को। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लाइगेज एंजाइम जो है जोड़ते कैसे हैं, केमिकल बॉन्ड बनाकर, तो इन्हें केमिकल बॉन्ड बनाना होगा। 6.1 रहेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, 6.2 रहेगा तो कार्बन सल्फर बॉन्ड बनाएगा, और 6.3 रहेगा तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स हैं इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था।
इसके नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने शायद नहीं बताया था आप लोगों को, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता चला, लेकिन जितना पता चला उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। नामकरण जो है इनका नोमेनक्लेचर, उसमें क्या बताया गया है कि आपका जो द कॉमन नेम ऑफ लाइगेज इज ऑफन इंक्लूड द वर्ड लाइगेज सच एज डीएनए लाइगेज। आपका जो एंजाइम है लाइगेज एंजाइम जो है, ये जो लाइगेज एंजाइम है इसमें जो ये लाइगेज वर्ड यूज किया गया है, लाइगेज वर्ड जो है आपका हर एक एंजाइम के साथ जुड़ेगा, हर एक चीज में जुड़ेगा ही जुड़ेगा अगर वो लाइगेज एंजाइम है। जैसे कि डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, डीएनए को लाइगेज करने का, लाइगेट करने का काम करता है। फिर वो हो सकता है आरएनए लाइगेज हो जो आरएनए को लाइगेट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपके अलग 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 जो है लाइगेज एंजाइम्स होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज टू ज्वाइन टुगेदर डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब अगर डीएनए लाइगेज की बात करें तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने का काम करता है, वो वाला लाइगेज हो गया, वो सिर्फ डीएनए के लिए कार्य करेगा, ठीक है, दूसरे के लिए वो कार्य नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है भाई, ठीक है, कि जो जिस प्रकार का वो लाइगेज एंजाइम है वो उसी चीज को ही करेगा। डीएनए लाइगेज रहेगा तो डीएनए को लाइगेट करेगा, आरएनए लाइगेज रहेगा तो आरएनए को ही लाइगेट करेगा। तो नामकरण की अगर बात की जाए तो ये जो वर्ड है लाइगेज, ये आपका एड ऑन होता ही है आपका नाम के बाद, ताकि वो पता चल सके वो कौन सा लाइगेशन वाला एंजाइम है। जैसे डीएनए लाइगेज वाला था जो डीएनए को ही लाइगेट करता है, ये पता चल रहा है। आरएनए लाइगेज जो है वो आरएनए को लाइगेट करने का काम करता है, ये पता चला है हम लोगों को, ठीक है। इसके लिए सिंथेटेज भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है नए नए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये यहां तक कि हम लोग पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर हो गया था हमारा, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लाइगेसेस, इसमें मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लाइगेस को देखते हैं। सम लाइगेसेस एसोसिएट विद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एंकर थ्रू अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन यूबीक्विटिन लाइगेस रिलेटेड प्रोटीन। आपके जो कुछ लाइगेस के जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं लाइगेस के, वो आपका मेम्ब्रेन के साथ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर आपका जो नॉर्मली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं, आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आप लोगों का हो गया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो नॉर्मली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप सभी जानते हैं अच्छे से, इसलिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिखा। तो ये जो कुछ लाइगेज जो है वो क्या करते हैं, इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और क्या कि क्या बना लेते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बना लेते हैं। ये जुड़ते किससे हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ, एसोसिएट हो जाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ। एसोसिएट हो जाते हैं और एसोसिएट होने के बाद फलस्वरूप बनता क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो है ये एक्चुअली बन नहीं रहा है ना, ये नया चीज बनने वाली चीज नहीं है। जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी चीजों के साथ आपका जो लाइगेज एंजाइम है वो एसोसिएट हो जाता है, साथ में मिल जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, नए चीज कहलाने लगते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और एंकर्ड थ्रू अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, फॉर एग्जांपल सर्टेन यूबीक्विटिन लाइगेज रिलेटेड प्रोटीन। और यहाँ पर एक्चुअली ये बताया गया है कि या तो ये परिधीय झिल्ली प्रोटीन, परिधीय हिंदी में बोलते हैं परिधीय झिल्ली प्रोटीन। झिल्ली किसके लिए, मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं।
तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाएंगे, और साथ ही साथ या फिर ये सिंगल आपके ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स के थ्रू जो है जुड़ते जाते हैं। एक मिनट क्या क्या बताया देख लेती हूँ। और एंकर्ड थ्रू अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, एंकर्ड थ्रू तो यहाँ पर एक्चुअली ये बताया गया है कि आपका एंकर्ड होना मतलब अगर कोई भी चीज जो है अटैच हो रही है किसी चीज के साथ, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ कौन अटैच हो रहा है, आपका लाइगेज जो एंजाइम है वो अटैच हो रहा है आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपका लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है अटैच हो रहा है। इसके अटैच होने के बाद वो क्या कहलाने लगते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाने लगते हैं, या फिर ये एंकर्ड होते हैं जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन ये जुड़ते हैं आपके सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स के थ्रू ये जुड़ते हैं। और फॉर एग्जाम्पल सर्टेन यूबिक्विटी लाइगेज रिलेटेड प्रोटीन, उसके इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन के साथ भी आपके जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उनके मिलने की वजह से वो फाइनली क्या कहलाने लग जाते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाने लगते हैं। और ये जब जुड़ते हैं मेम्ब्रेन के साथ तो इन्हें कुछ तो सहायता चाहिए होगी, तो जुड़ने के लिए इन्हें हेल्प करता है सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स। ये वो चीज है जो आपके ये जो एंजाइम है उसको आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने का कार्य करती है। ये हुआ एक आपका मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लाइगेजेस। इतना जो बताया सबको क्लियर है? सबको क्लियर है जितना मैंने बताया है अभी तक के? बताओ। यस मैम, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड हो गया एटिमोलॉजी इन यूनिवर्स लाइगेज यूज कॉम्बिनेशन माइंड फॉर्म्स। हाँ, इसके नाम का मतलब मैं तो बता देती हूँ आप लोगों को, नाम का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर इसके नाम के मतलब की बात करें लाइगेज, तो ये जो लाइगेज वर्ड है ये लिया गया है आपका लैटिन वर्ब, लैटिन भाषा का एक वर्ब है जिस जो है आपका लाइगर। ठीक है, लाइगर या फिर लाइगेट जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू बाइंड, ठीक है, या फिर टू टाई टुगेदर, टू बाइंड टू टाई टुगेदर, ये इसका एक्चुअल जो है मीनिंग है, टू बाइंड और टू टाई टुगेदर। प्लस एज जो है लाइगेर का मतलब पता चल गया, प्लस एज जो है उसका फंक्शन क्या, मतलब उसका सेंस क्या है, एज का मतलब जो है प्लस एज लिखी हूं ना मैंने, एक मिनट कंफ्यूज मत होना कोई भी। एज, एस को हमने प्लस किया तो एस का मतलब होता है, एस कभी भी वर्ड आए पॉलीमरेज हो गया आप लोगों का, और आप लोगों का लाइगेज हो गया, डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, ये जितने भी एज लगते हैं ये लगते हैं एंजाइम को डिनोट करते हुए, मतलब एंजाइम को डिनोट कर रहे हैं एंजाइम है करके, एंज जहां पर भी एज लगा तो वो एंजाइम है हो जाता है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। रिनोटिंग एन एंजाइम, ये यील्डिंग बाइंडिंग एंजाइम्स जो कि एक बाइंडिंग एंजाइम,
तो फलस्वरूप पता क्या चल रहा है कि लाइगेज या लाइगेर जो है लैटिन वर्ड से लिया गया, एक वर्ब है लैटिन का जिसका मतलब होता है टू बाइंड और टू टाई, और एस का मतलब होता है एंजाइम। तो अल्टीमेटली जब दो चीजों को बाइंड करने का या टाई करने का, बांधने का काम कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये आपका हुआ नाम का मतलब, और इसका प्रोनाउंसिएशन आप सभी जानते हैं, लाइगेज बोलते हैं इसे। तो आप लोगों का जो है डेटा जो है इतना काफी है लाइगेज के लिए, जितना मैंने पढ़ाया। हमने इसका इंट्रो देखा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया, फिर हमने इसका वर्गीकरण देखा, वर्गीकरण के बाद जो है प्रिंसिपल के बाद जो है इसके नोमेनक्लेचर को देखे, नोमेनक्लेचर के बाद जो मैंने जस्ट अभी इसके नाम का मतलब भी बताया कि किस कैसा नाम रहता है, क्या रहता है करके। तो इस प्रकार से ये आपका लाइगेज यहीं तक ही रहेगा। हाँ, एक चीज है कि इसके कुछ कुछ फंक्शंस जो है अभी तक हमको यही पता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन पता चल रहा तो मैं बताऊंगी। हालांकि इसके फंक्शन में मेन फंक्शन जो है वो यही चीज है कि आपका जो लाइगेज है वो क्या करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, टू बाइंड टू ज्वाइन, ठीक है, टू टाई। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या करता है, दो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को या दो मॉलिक्यूलर चीजों को वो जोड़ने का काम करता है अल्टीमेटली। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को जो भी बताई, सबको समझ आया, क्लियर है? सब लोग बताइए, आंसर दीजिए। मैम, हेलो मैम हाँ करो। मैम मैं ना अभी ज्वाइन की हूँ, यहाँ टावर नहीं है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैम। तो वीडियो देखना फिर बेटा। यस मैम। चलो ठीक है, बाकी लोग बताइए, सबको क्लियर है? अपराजिता, नीरज, यस सूरज, ए सॉरी सूरज तुम लोग क्लास में नहीं, क्या बोल रही थी मैं, योगिता, क्लियर है बेटा? यस मैम। और देखो एक और चीज बता देती हूँ, जैसे इसका फंक्शन जो है ना, फंक्शन इसका अल्टीमेटली एक ही फंक्शन है क्योंकि ये बाइंड करने का और टाई करने का काम कर रहा है। तो इसके अलग से फंक्शन अगर मुझे मिलते हैं ज्वाइनिंग के अलावा कुछ, तो मैं उसको कल की क्लास में बताऊंगी। कल क्योंकि हम लोग लाइगेज पढ़ लिए, हम लोग पॉलीमरेज पढ़ेंगे, दो एंजाइम से ना आप लोग, ओके। तो लाइगेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसके बाद जो है पॉलीमरेज पढ़ेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम जो पढ़ेंगे, तो पढ़ाने से पहले अगर इसका मेरे को फंक्शन मिलता है तो मैं उसको अलग से बता दूंगी कल पहले ही। ठीक है, तो ये अपना हो गया लाइगेज। चलो तो क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। सबका अटेंडेंस लग गया है ना? अटेंडेंस सबने लगाया कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जो छूट गया अटेंडेंस लगाने के लिए? तो मैं लिंक भेज देती हूँ, जल्दी बताओ। मैम लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक, सेंड कर दियो बेटा। चलो यहीं पर खत्म करते हैं फिर क्लास।